ऐसा कंजूस मक्खी चूस ससुराल तो मैंने कहीं नहीं देखा। वही तो, कहीं से भी हमारा ससुराल शादी का घर नहीं लग रहा। एक तो हम चारों बहुओं को देवर जी की शादी के लिए एक नई साड़ी भी नहीं दिलाई। सासू जी ने कम से कम इस झोपड़पट्टी को तो पेंट करा दी थी। जूली और मधु को कड़वा बोलता देखकर सुरेखा और मंजू को दुख लगता है। जूली, मधु, तुम्हारे मन में इतनी शिकायत क्यों है? और इतने वक्त बाद हमारे घर परिवार में थोड़ी खुशी आने जा रही है। देवर जी की शादी है, एक साड़ी के लिए हफ्ते भर से मुंह सुजाया हुआ है दोनों ने। तभी चारों के पति कपिल, प्रकाश, चंदन, मोहन घर आते हैं। बूढ़ी सुजाता ने कहा, अरे आ गए तुम चारों भाई, चलो अच्छा है। धीरज को हल्दी भी लगनी है। सुरेखा बहू, जल्दी से शगुन की हल्दी पीस दो। जी सासू मां। तभी कपिल पूरे दिन में कमाए पैसों को गिनता है। 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500 और 1000 कल कमाए थे, 2500 बन गए। अपने पति कपिल को पैसे गिनते देखकर जूली खुद की फरमाइश जताती है। ए जी, मैं क्या कह रही थी, मुझे एक बढ़िया सी साड़ी दिला दो ना। ओहो जूली, यहाँ हम चारों भाई एक एक रुपया बचा रहे हैं, कल शादी है धीरज की। वही तो, कल देवर जी की शादी है और मेरे पास पहनने को एक ढंग की साड़ी नहीं है, सारी फट चिट गई है। कैसे पति हो तुम, एक साड़ी नहीं दिला सकते? देखो जूली, अभी हाथ तंग है, सामने जो इज्जत आई है वो देखना है पहले। ये सुनकर जूली रोना धोना लगा देती है, गुस्से में कपिल को कोसने लगती है। पता नहीं ऐसे लोग शादी ही क्यों करते हैं, पत्नी को एक ढंग की साड़ी भी नहीं दिला सकते। अरे आग लगे तुम्हारी कमाई में। पता नहीं पापा ने गरीब ससुराल में मेरी शादी कर दी। जूली की बोलबाजी सुजाता के दिल पर तीखे तानों की तरह चुभती है, लेकिन शादी का घर देखकर वह कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझती। जहाँ सुरेखा और मंजू अपनी ससुराल की गरीबी मजबूरियों को समझती थी, वहीं मधु और जूली के शौक बहुत ही महंगे थे। अगले दिन सुभद्रा शादी करके एक जोड़े में अपनी सिलाई मशीन लेकर ससुराल में आ जाती है, जहाँ उसकी दोनों घमंडी जेठानी उसे ताने मारती हैं। लो जी, इस माचिस के डिब्बे जैसी ससुराल में एक जना और बढ़ गया। देवरानी जी, तुम तो अच्छी तरह देख रही हो, हमारे छोटे से ससुराल में हमारे ही रहने की जगह इतनी कम पड़ती है, तो ये खटारा सिलाई मशीन किस लिए उठा लाई हो, वो भी पुरानी सी। भाई, हम चारों जेठानियों को तो लगा था कि हमारी देवरानी जी के मायके से हमारे लिए ज्यादा नहीं तो एक आधी नई साड़ी तो आएगी। जेठानी जी, आप तो जानती हैं मैं कितने गरीब घर से हूँ, पिताजी ने कर्जा उठाकर तो मेरी शादी की थी, ऐसे में कुछ और कहाँ से लाते। सुभद्रा के चेहरे पर उतरी उदासी को देखकर सुरेखा बात बदल कर कहती है, अरे देवरानी जी, आपने ये जो शादी का जोड़ा पहना है, ये साड़ी है ना? जी बड़ी जेठानी जी, इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, मैं दर्जी हूँ। अरे वाह, हमको तो पता ही नहीं था कि हमारी देवरानी सिलाई कढ़ाई जानती है। अरे तुम चारों जेठानियां अपनी देवरानी से सारी बातें दरवाजे पर खड़ी खड़ी कर लोगी या गृह प्रवेश भी करोगी? जी माँ जी। सुभद्रा गृह प्रवेश करके अंदर आती है और नजर उठाकर देखती है, एक कमरे का कच्चा मकान जो कि गर्मी से आग की भट्टी के जैसे तप रहा था। लेकिन सुभद्रा ने अपनी बाकी दो जेठानियों की तरह गरीब ससुराल को देखकर नाक नहीं चढ़ाया, बल्कि खुशी से स्वीकार लिया। ऐसे ही दिन गुजरने लगे, तभी एक दिन साड़ी बेचने वाला आता है। साड़ी ले लो, साड़ी, सुंदर सुंदर साड़ी ले लो, साड़ी। प्रकाश, मुझे नई साड़ी दिला दो, देखो ना वो साड़ी वाला कितनी सुंदर सुंदर कॉटन की साड़ियां बेच रहा है, ज्यादा नहीं तो एक दो ही दिला दो, इस जॉर्जेट की साड़ी में बहुत गर्मी सी लगती है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है मधु। ये सुनकर चिढ़कर साड़ी खरीदने के लिए वो कलेश करने लगती है। तुम्हारे पास मेरे लिए कभी पैसे होते भी हैं? हाँ, पता नहीं कैसा निकम्मा निखट्टू पति मिला है, मुझको एक साड़ी नहीं दिला सकता। जहाँ एक तरफ मधु अपने पति से झगड़ रही होती है, तो वहीं जूली भी कपिल से लड़ रही थी। कल वल नहीं, मुझे अभी साड़ी दिलाओ, क्योंकि तुम्हारा ये कल कभी नहीं आता कपिल, हर बार तुम झूठ बोलते हो। जो इस बार अगर तुमने मुझे साड़ी नहीं दिलाई तो मायके चली जाऊंगी, देख लेना, फिर ले आना मेरी सौतन और उसे ही पहनाना साड़ी। हाँ। हे भगवान, अब रो क्यों रही हो, पहले कलेश मचाती हो फिर रो के दिखाती हो, खून पी रखा है इस औरत ने।
अपनी जेठ जेठानियों के बीच में अनबन होते सुभद्रा कहती है, मुझे अपनी जेठानी के लिए बड़ा दुख लग रहा है। काश अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इन्हें साड़ी खरीद कर दिला देती, मगर मेरे पास तो इतने भी नहीं कि थान का कपड़ा खरीद कर साड़ी बनाऊ। क्या करूं, बाहर जाकर देखती हूं कोई दर्जी का काम मिल जाए। सुभद्रा अपना बक्सा देखती है जिसमें कुल मिलाकर 80 से 100 रुपए ही थे, जिसे लेकर वह भीषण गर्मी में घर से निकल जाती है। भगवान जी, इस रुपए में से एक जेठानी के लिए थान का कपड़ा लाके साड़ी बना दूंगी। पैसे लेकर वह बाजार में आती है जहां एक ही औरत थान का कपड़ा लिए बेच रही थी। ये थान का कपड़ा ले लो, थान का को कपड़ा। ये कपड़ा एकदम मुलायम है, इससे साड़ी बढ़िया बनेगी। सुनो बहन जी, मुझे ये 6 मीटर कपड़ा चाहिए, कितने में दोगी? देखो बहन जी, कपड़ा प्योर कॉटन है, बर्फ जितनी ठंडक देगी गर्मी नहीं लगेगी। 100 रुपए मीटर लगेगा, 6 मीटर 600 रुपए की पड़ेगी। ये सुनकर गरीब देवरानी दुखी हो जाती है और अपनी मुट्ठी में 100 रुपए का मुड़ा तुड़ा नोट देखती है। लेकिन मेरे पास तो बस ये 100 रुपए हैं। 100 रुपए में थान का कपड़ा लेगी? 6 मीटर शक्ल देखी है? चल चल आगे बढ़। हर दुकानदार इसी प्रकार बात करके उसे भगा देता है। वहीं बेतहाशा गर्मी से चारों जेठानी के शरीर में लाल लाल दाने निकल आते हैं। दुखी होकर सुभद्रा जंगल में बैठ जाती है। कैसी देवरानी हूं मैं, दर्जी का काम जानते हुए भी अपनी जेठानियों को एक साड़ी भी नहीं दिला सकती। तभी उसका ध्यान जंगल में मिट्टी खोदती एक बुढ़िया पर जाता है। अम्मा, ये मिट्टी क्यों खोद रही हो और रो क्यों रही हो? ये मिट्टी मैं खाने के लिए खोद रही हूँ, बहुत भूखी हूँ। हे भगवान, इस आज के जमाने में कोई गरीब को एक रोटी भी नहीं देना चाहता। चलो आओ अम्मा, मैं तुम्हें खिलाती हूँ खाना। सुभद्रा अपने पैसे से उसे खाना खिलाती है। धन्यवाद बेटी, तुमने मुझे खिलाया, ये लो बदले में ये मिट्टी तुम ले जाओ, खुशी से चली जाओ, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होने जा रही है। तुम अपनी चारों जेठानी के लिए साड़ी बनाना चाहती हो ना? किसी भी कपड़े से साड़ी बनाकर ये मिट्टी उस पर डाल देना, फिर जादू देखना। सुभद्रा सारी रात गर्मी में जागकर मधु और जूली टेलर की दुकान में बाहर गिरी कतरनों को उठाकर लाती हैं और उसकी साड़ी बनाती है। जैसे तैसे साड़ी तो बन गई, उफ कितनी गर्मी है, अम्मा की दी मिट्टी डालकर देखती हूँ। सुभद्रा जैसे ही जरा सी मिट्टी साड़ी पर डालती है, वह बर्फ की साड़ी बन जाती है जो कि हीरे की तरह चमक रही थी। ये क्या जादू करी है, ये मिट्टी बर्फ बन गई और ये बर्फ की साड़ी देखने में कितनी सुंदर लग रही है, कहीं ये भ्रम जाल तो नहीं? सुभद्रा एक और बार से उस जादू को आजमाती है और जैसे ही वह दूसरी साड़ी पर डालती है, वो भी बर्फ की साड़ी बन जाती है। वह ना आओ देखती है ना ताओ, जल्दी सुबह 4 बजे ही जेठानियों को नींद से जगा देती है। जेठानी जी उठिए, उठिए ना। जेठानियों के साथ चारों के पति और सास भी जाग जाते हैं। क्या हुआ देवरानी जी, क्यों जगाया इतनी सुबह? जेठानी जी ये देखिए, मैंने आप दोनों के लिए साड़ी बनाई है। साड़ी देखकर मधु और जूली बहुत खुश होती है। अरे वाह देवरानी जी, बर्फ की साड़ी तो कितनी बढ़िया है, तुम दर्जी हो कि लोहार, बर्फ से साड़ी बनाई कैसे? सुभद्रा सारी बात बताती है। तभी सुरेखा और मंजू भी कहती हैं, देवरानी जी क्या तुम ऐसी बर्फ की साड़ी हमारे लिए भी बना दोगी? देखो ना गर्मी से हमारा पूरा तन बदन छिल गया है। हाँ बड़ी जेठानी जी, मैं आप दोनों के लिए साड़ियां बनाऊंगी। सुभद्रा खुशी दिल से मंजू और सुरेखा के खातिर भी साड़ी बनाती है और जैसे ही जादू दिहाड़ती है, वह साड़ी भी बर्फ की बन जाती है और चारों खुशी खुशी अपनी गरीब दर्जी देवरानी की बनाई साड़ी पहनती हैं और मधु और जूली दिखावा करने निकल पड़ती हैं। हर औरत उनकी अनोखी बर्फ की साड़ियों को देख रही थी जो कि धूप में भी नहीं पिघल रही थी। तभी चंदा की बहू दीपिका पूछती है, अरे वाह तुम दोनों की बर्फ की साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, मैं तो देखते ही लट्टू हो गई, कहाँ से खरीदी? खरीदी नहीं बल्कि ये बर्फ की साड़ी हमारी प्यारी दर्जी देवरानी ने हमारी खातिर बनाई है। मुझे भी ऐसी बर्फ की साड़ी बनवानी है, मुझको भी ले चलो। हाँ हाँ चलो देवरानी जी, देखो ये दीपिका जी हैं, उनको भी ऐसी ही डिट्टो बर्फ की साड़ी बनवाना है। जी मैं बना दूंगी।
दीपिका के बाद धीरे धीरे अपने बनाए बर्फ की साड़ी के लिए गरीब देवरानी मशहूर हो जाती है और धीरे धीरे काम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद चारों जेठानियां उसकी मदद कराती हैं और धीरे धीरे सुजाता के घर की दशा सुधर जाती है।